अंकल की स्पीड इतनी है कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा और वो गया जी। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये क्या चीज है? ये है यार ईद की मशहूर सौगात जिसको कह देते हैं, सब जानते हैं ईद आती है, कुछ भी और त्यौहार आता है, इवेंट आता है, तो ये फेमियां बनाई जाती हैं, दूध के अंदर डाल के जाती है, स्पेशल ईद पे खाई जाती है। फेमियां या फेमियां? फेनियां। लें सर ये आप लोगों के सामने, आज फ्रेशली ईद का सीजन, आपको पता है सुबह ईद है और यहाँ पे फेनियां बनाई जा रही है। ये पेड़े बना के रखे हैं अंकल जी, फुल पैकिले आ से उसको, मतलब ये देखें इस तरह रोल करते हैं, बढ़ाते हैं और उसके बाद बनाई रोटी की तरह जाती है एक्चुअल में। लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, मैं भी इवन के फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ये इसके अंदर तेल है या ऑयल है? घी होता है ना वो जो तंद होती है इसके, नहीं। अच्छा इसके अंदर ये सारा घी डाला है ना, जो तंद होती कली कली हो जाती है। ठीक हो गया, मतलब तंद का मतलब अंकल जी जो कह रहे हैं वो ये चीज है। देखें वहां से वो किस तरह डाल रहे हैं, अंकल ने शर्ट नहीं पहनी, कहते भाई मैं इंजॉय द लाइफ कर रहा हूँ, मैंने कहा कोई नहीं आप करिए नो इशू। ये सर देखें बैक टू बैक डाल रही है, एक ट्रे खत्म है वहां पे लग रहा है, इन्हीं का पूरा सेटअप वहाँ पे साइड पे लगा हुआ, वहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं, इसी का भी सेल आउट कर रहे हैं। इसका रेट क्या है, किस रेट से दे रहे हैं अंकल जी? 500 रुपए किलो, 500 रुपए, 500 रुपीज केजी के लिहाज से मिलती है। ये 2% लगे हुए हैं, देखिए इतनी स्पीड में काम करना पड़ता है कि 2% लगे हैं ताकि जल भी ना जाए, जली हुई आप लोग भी परचेज नहीं करेंगे, मैं भी नहीं। उनका 500 रुपीज केजी के लिहाज से मिलती है क्योंकि सुबह ईद है और ईद का सीजन आ चुका है। इस बेस पे ये धड़ाधड़ बना रही है, फ्रेश नहीं है, जितनी बनाई है ऑलमोस्ट इस साइड पर भी लगी हुई है, इस साइड पर भी लगी है, ये यहाँ से फुल जब निचड़ जाएगी। अब ये देखें घी ऑयल और घी इसके अंदर सारा कुछ मिक्स है, बटर ऑयल घी, उससे निचड़ता हुआ सारा ऑयल ड्रिप होता है वापस के अंदर आ जाता है, वहाँ से उठाते हैं, उसके बाद शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भाई ये ओनर बैठे हुए हैं, धड़ाधड़ बैठ के सेल कर रहे हैं, अंदर लकड़ियाँ डाल रहे हैं ताकि आँच नीचे से कम नहीं होने देते, स्पीड टू स्पीड नीचे से लकड़ियाँ डाली जा रही हैं, ऊपर से इसको फ्राई किया जा रहा है। अच्छा एक चीज़ अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है एक पेड़ा है, इसको एक को नहीं जस्ट किया जाता, जब ये एक प्रॉपर बन जाएगा ऑलमोस्ट कुक हो जाएगा फिर इसको उठा के दूसरे, ये देखें आप लोगों को नजर आया एक उठा के दूसरे के ऊपर शिफ्ट किया गया है, फिर इसकी थोड़ी सी मोटी तैयार बनती है। ये देखें एक को उठाया दूसरे पर डाल दिया और जो जो पकी जा रहा है उसको डबल कर रहे हैं, डबल करने की वजह से थोड़ी सी उसका वेट ज़रा गेन होता है और हम लोग परचेज करके लिए जा सकते हैं। अगर सिंपल करेंगे तो बहुत बारीक होता है, वो हाथ लगाते ही टूट जाएगा। अगर तो आप लोगों को फैट का इशू है या आप लोग डाइट कॉन्शियस पर्सन हो तो फिर तो आप लोगों के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप लोग जस्ट फेमिया लवर हो तो फिर तो भैया आप लोग खाओ। वहाँ से निकालने के बाद डायरेक्ट फिर यहाँ पे ले आते हैं, इस जगह पर आके भाई बैठे हुए हैं जो इनके ओनर हैं, जो प्रॉपर बैठ के सारे कस्टमर्स को सेलिंग कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मेन रोड के उसको लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक। अच्छा जरा मुझे बताइएगा कि ये जो आप फेमियां बना रही हैं किस चीज की बनती हैं? ये बेसिकली मैदे की बनती है, मैदे की बनाई जाती हैं और ईद वगैरह के मौके पे आप स्पेशली मतलब फ्रेशली बना रहे हैं। और ये कितनी देर तक मामला चलेगा, पूरी रात मामला चलता है? सारी रात सुबह फजर तक चलेगा, फजर तक चलेगा और लोग आते हैं कस्टमर आ रहे हैं फजर तक लेके जाएंगे, ईद की नमाज के बाद भी कस्टमर फेरी ढूंढने के लिए आते हैं, फेमी ढूंढने के लिए आते हैं। जबरदस्त। और जरा मुझे बताएंगे कि इसकी प्राइस क्या है, क्या इसका वेट होता है, किस तरह सेल करते हैं इसको? ये 1 kg है, 500 रुपए kg हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में और बेकरीज में 700-600। लेकिन आप इससे जरा सेल कम कर रहे हैं क्योंकि आप एक तो खुद वहाँ पे मतलब लाइव मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं फ्रेशली, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फ्रेश बनाई जा रही है। अच्छा ये मुझे जरा बताइए कि जो वो तेल है वो क्या है, तेल ऑयल बटर क्या है? ये सलवा ऑयल की हम बनाते हैं, जो अच्छा ऑयल है। अच्छा और उसकी तैयार होती है? अच्छा उसकी तैयार होती है, बेहतरीन सर बेहतरीन। अच्छा मुझे एक और चीज बताएं, वो जो आप लोगों के सामने आप लोगों को नजर आ रहा है भाई से पूछते हैं, अच्छा इसके अंदर इतना ज्यादा जो आपने बताया ऑयल के अंदर ये डीप फ्राई किया जा रहा है, इतना ज्यादा ऑयल कोई कैसे डाइजेस्ट कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर? ये इतना ज्यादा ऑयल है उसके अंदर ही रहेगा या निचड़ जाएगा, क्या होगा, ड्रेन हो जाएगा? का इसका 12 घंटे का प्रोसेस होता है, ठीक है, 12 घंटे पड़ी रहती है, उसके बाद इसका टोटल ऑयल निकल जाता है। मतलब के लेकिन आप तो भी फ्रेशली सेल कर रहे हैं, तो कितनी देर बाद वहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे आप? ये कम से कम अभी जो तैयार की है ये चांद रात की वजह से इमरजेंसी तैयार होती है, ठीक है, पीछे चले जाए रमजान में तो ये 12 से 13 घंटे पड़ी रहती है, ठीक है, उसके बाद ये पैक होके सेल होता है ताकि उसके अंदर से जो ऑयल वगैरह है वो निकल जाए, खुशक हो जाए, बिल्कुल खुशक हो जाती है, इसलिए तो दूध के अंदर जाते ही मतलब इतने मजे से आपके गले से निचड़ते थे। लेकिन जो अभी इस टाइम मुझे पूछना आ रहा है कम से कम 1 से 2 घंटे बाद उठा के 2 से 2.5 घंटे के बाद आएगा, 2 से 2.5 घंटे के बाद सेल करेंगे, मतलब उतनी देर उसको वेट करवाएंगे और तब तक ये जितना आपने रखा हुआ है इसको सेल करेंगे।